Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे. It's me, Urash, another video, another look for you all. I hope कि आप लोगों को अच्छी लगेगी. अच्छी लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि ये ज़बरदस्ती लुक मैंने किस तरह से अचीव की है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए. चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जी सबसे पहले जादू के साथ पहन लेंगे अपने लेंसेज. लेंसेज जी ये मुझे PR में आए थे फ्रॉम TTDI. शेड है जी इनका पोलर लाइट्स ग्रे. ठीक है, तो इसके बाद जी हम अपनी आईब्रोज डन कर लेंगे. आईब्रोज किस तरह से डन की हैं वो आप लोग देख लें. और जी आईब्रो डन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, मैंने जो यूज़ किया है क्रायलॉन का ब्राउन केक लाइनर. इसके साथ जो अच्छे से फिल कर लूँगी मैं अपनी आईब्रोज और फ्रंट से अच्छे तरीके से स्पूली की हेल्प से मैं कर दूँगी इनको ब्लेंड और अपनी बाकी की पूरी आईब्रो को भी ब्लेंड कर दूँगी ताकि ये प्रोडक्ट अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए मेरी पूरी आईब्रोज पर. ठीक है जी, तो नेक्स्ट इनको क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्रायलॉन की स्टिक. TV पेंट स्टिक शेड है जी इसका F1. इसके साथ जी मैं अच्छे तरीके से कंसील कर लूँगी अपनी आईब्रोज को ताकि जो भी हमसे ऊपर नीचे लग गया है थोड़ा बहुत शेड ब्राउन शेड तो वो क्लीन हो जाए. और यही स्टिक मैंने अपनी पूरी लिड एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दी है एज अ आई बेस. और इसको जी अच्छे तरीके से अब हम लोग कर देंगे ब्लेंड किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. स्टिक की जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो आप लोग अप्लाई करें तो उसको अच्छे से ब्लेंड भी करें. नेक्स्ट जी इसको हम सेट करेंगे ST लंडन के लूज पाउडर के साथ. इसको अच्छे तरीके से मैंने सेट कर लिया है और ये जी हमारी लिड अब बिल्कुल भी क्रीज नहीं करेगी क्योंकि उसको हमने अच्छे तरीके से लॉक कर दिया है अपने बेस को. ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं अपने आई शेड्स की तरफ. यहाँ पर मैं ले रही हूँ BBA की ये वाली पैलेट. इसमें से इनका जो पीची शेड है ये मैंने पिक किया और इसको जी अपने क्रीज एरिया पर मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी अप्लाई एज अ ट्रांजिशन शेड. ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे क्रीज एरिया पर. थोड़ा और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पिक किया था और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया. इसके बाद जी नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट रिलोडेड. आप लोग कहते हैं कौन सी है कौन सी है, तो ये लें जी मैंने आपको शो करवा दी कि ये वाली है. इसमें से जी मैंने ये ब्राउन शेड पिक किया और इसको भी मैं अपने पूरे क्रीज एरिया पर अप्लाई कर दूँगी अच्छे तरीके से और जी इसको ब्लेंड करते जाएंगे. ठीक है, पहले मैंने आउटर व्यू पर अच्छे तरीके से जो है अपना कलर रख दिया, देन क्रीज एरिया की तरफ आराम आराम से जाएंगे और इसको साथ के साथ ब्लेंड भी करते जाएंगे. एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एकदम से कलर लेकर जब आप लोग क्रीज में अप्लाई कर दोगे तो वो ब्लेंड नहीं होता है. पहले अपने आउटर वी पर रख लिया करें, देन आराम आराम से इनर कॉर्नर की तरफ या क्रीज एरिया क्रीज लाइन की तरफ जाया करें. ठीक है, तो ये जी देखिए मैंने और कलर को डार्क किया. तो आज मैं अपना ले रही हूँ ब्लैक शेड और ये भी मेरा मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से ही मैंने पिक किया है. अब जो हमने ब्राउन शेड अप्लाई किया था इसके अंदर ही रहते हुए पहले मैंने अपने क्रीज एरिया में और आउटर वी पर अच्छे तरीके से मैं अप्लाई कर दूँगी इस ब्लैक शेड को. ठीक है, थोड़ा सा जी डार्क करूंगी इसको. मैं किस शेप में अप्लाई कर रही हूँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा और इसको मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ अब यहाँ पर ब्लेंड. ठीक है, इसको ब्लेंड कर देने के बाद जाहिर सी बात है कलर जो है वो लाइट हो जाता है. मुझे थोड़ा डार्क ब्लैक चाहिए था तो मैंने जी यहाँ पर अगेन ब्लैक कलर पिक किया और उसको जो है वो डार्क किया. सही है, इसके बाद जी अब अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लेंड भी होगा. उसको वहीं पर रखा हुआ तो नहीं छोड़ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगेन ब्लेंड करेंगे. ब्राउन शेड मैंने पिक नहीं किया था, बस उसी ब्रश के साथ मैंने अच्छे से उसको जो है ब्लेंड कर दिया था. अब यहाँ पर आ जाती है हमारी कट क्रीज की बारी. कट क्रीज के लिए जी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मिस रोज़ का कंसीलर. इसके साथ मैं अपनी कट क्रीज कर रही हूँ और वो किस तरह से कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं. इनर कॉर्नर से मैंने स्टार्ट लिया है अपना और जी यहाँ पर जो मेरी क्रीज लाइन है उसको मैं फॉलो करते करते आराम आराम से छोटे छोटे स्टेप लेते हुए उसको अच्छे तरीके से कट करती जाऊँगी अपनी क्रीज को. ठीक है, कट क्रीज करते हुए आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि कट क्रीज जितनी सफाई से होती है उतनी ही लुक हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और अगर हमारी कट क्रीज जो है वो सफाई से नहीं हुई हो तो जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखना शुरू हो जाती है. वो बहुत ही मतलब बहुत ही मेस क्रिएट हो जाता है, बहुत बुरी लगती है. ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लोग कट क्रीज कर रहे हो और ये जो लाइन आप लोग क्रिएट कर रहे हो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. इसी के साथ जी मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास होने वाली है. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे मेकअप स्किल्स सीखने के लिए, मेरी मेकअप की टेक्निक सीखने के लिए, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जी डिटेल्स ले सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग वहां पर मुझसे डिटेल्स सारी ले सकते हैं.
और जी नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो गया है क्रीज, कट क्रीज जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हो ये कितनी प्यारी लग रही है। इसको जी अब मैं ब्लेंड करूँगी आउटर साइड से, ताकि ये जो बिल्कुल एक लाइन आ रही है बीच में कट क्रीज के बेस के और ब्लैक लाइन के, इसको ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म कर देने के बाद इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इसके बाद जी मैंने ब्लैक शेड लिया अगेन और जी उसको यहाँ पर रख दिया आउटर वी पर, और हल्का सा मैं इनर थोड़ा सा अंदर की तरफ आई हूँ लिड की तरफ। ठीक है, जिस तरह के आप लोगों को नज़र आ रहा है, और उसको ब्लेंड किया है नेक्स्ट मेकअप रेवोल्यूशन की ही पैलेट में से। मैंने यहाँ पर लिया है सिल्वर शेड और इसको जी पूरी लिड एरिया पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूँगी। ब्रश जी मेरा वेट था और इसके साथ जी मैंने अच्छे तरीके से इसको कर दिया है अप्लाई इस शेड को। और ध्यान रखना है आप लोगों ने मेटेलिक शेड अप्लाई करें या कट क्रीज के बाद आप लोग मैट शेड अप्लाई करें। जो भी शेड आप लोग अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपनी कट क्रीज ख़राब नहीं कर देनी है कि वो बिल्कुल ही गुम हो जाए। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, बहुत ही ख्याल से आराम और तहम्मुल से आप लोगों ने अपना ये वाला शेड लगाना है लिड पर, ताकि हमारी जो कट क्रीज है उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, उसे ख़राब नहीं करना। इसके बाद जी मैं यहाँ पर जो है वो अपनी ब्राउ बोन एरिया को अच्छे तरीके से हाईलाइट करूँगी। इसमें भी मैंने वही सेम सिल्वर शेड जो है वो लिया है जो मैंने अपने लिड एरिया पर अप्लाई किया। ठीक है, इसको अप्लाई कर देने के बाद मैंने कर लिया था ब्लेंड, और ब्लेंड हो जाने के बाद ये दिख रहा है कुछ इस तरीके का, सही है। इसके बाद जी अब हम अपना इनर कॉर्नर बना लेंगे, वो जी मैंने डर्माकोल के डिप लाइनर के साथ बनाया है। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारे ग्लिटर्स की। ग्लिटर जी मैंने अप्लाई किए ई ब्यूटी कॉस्मेटिक से। ग्लिटर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। थोड़े से मैंने इनके चंक्स यूज़ किए थे और बाकी का ये मैंने सिल्वर शेड इनका यूज़ किया। नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी ग्लैमरस फेस की, वो आई मीन टू से हमारे मस्कारा की। ठीक है, मस्कारा अप्लाई कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद जी हमारी बारी आ जाती है लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन पर जी मैंने पहले अप्लाई किया ब्राउन शेड, देन जी मैंने अप्लाई किया ब्लैक शेड। ठीक है, और इसको जी अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया। वाटर लाइन पर जी मैंने वाइट काजल यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो न्यूड भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया, और ये ब्लेंड हो जाने के बाद दिख रहा है कुछ इस तरीके का। इसके बाद हम लोगों ने अपनी लैशेज अप्लाई कर ली, और लैशेज अप्लाई करते के साथ ही हमारी यहाँ पर हो जाती है लुक कम्प्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरी क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लिंक मैं अपना इंस्टा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी क्लास की डिटेल्स आप लोगों को मेरे इंस्टा से मिल जाएंगी, आप लोग मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। चलें जी अब मैं चलती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली लुक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लुक आप लोगों ने कौन सी सीखनी है मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।